गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज गाइस 10-15 मिनट का डिफरेंस पे निकला हूँ, मतलब 8:15 पे मैं निकला और 13 पे लॉगिन किया हूँ। और अभी जैसे निकला भाई, राइड आ गए मेरे को फिर से हावड़ा SBI वाटर टैंक ऐसा कुछ करके था, 15.2 किलोमीटर। तो अभी जा रहा हूँ पिक करने को। एंड इसमें जो है ना, पेमेंट थोड़ी कम देखने को मिल रही है क्योंकि पिकअप है गाइस 800 मीटर पिकअप है, 800-900 पिकअप, और ड्रॉप है 15.2, 148 रुपीस ही दे रहा है। चलो देखते हैं, हमें लगता है वहाँ पे जाने के बाद कुछ अपग्रेड हो जाए, है ना, क्योंकि उबेर, ओला, रैपिडो ये सारे एप्लीकेशन में इंस्टीमेट अमाउंट शो करता है, बाकी वो बाद में घटता बढ़ता भी है। अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से ट्रेवल करोगे, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से आपका ऐड किया जाता है, तो उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि पेमेंट यहाँ पे 40 रुपया दिखा रहा है, मैं 50 किलोमीटर चला गया तो वो बाद में भाई कैलकुलेट होता है। उबेर तो भाई एग्जैक्ट अमाउंट दे देता है, बाकी अदर कंपनियाँ थोड़ी बहुत आगे पीछे कर लेती है। हम फोन ही किए। हाँ 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 ओके ना, हम फोन आया था तो हम बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो बात कर जाना है क्या? मारिए बुकिंग, मारिए, ऐसे लेके चलो, ऐसे लेके चलो, चलिए तो तुम्हारा भी हो जाएगा, उसका तुम मारेगा तो ये होगा। ठीक है, लोकेशन कहाँ था? हम जाएंगे हावड़ा मैदान, हम जाएंगे बागरा जो जापानी गेट जो है ना। हाँ, जापानी गेट जगह हम 200 रुपया देंगे। ठीक है, बता दीजिए जगह, बता दीजिए। जापानी गेट मुल्लापाड़ा, काली टेम्पल ना, मुल्लापाड़ा। मुल्लापाड़ा ये क्या है? ये कैमरा है तुम वीडियो करके जा, जा, जा। हाँ, हाँ चलिए हम जापानी गेट के पास जाते हैं। हाँ? ठीक है, उधर से आप हमको रास्ता बता दीजिएगा। हाँ। ठीक है। लो भाई, बंदे का राइड कैंसिल हो गया था। जापानी गेट यहाँ से 29 किलोमीटर दिखा रहा है और हावड़ा साइड से अगर जाए तो 22 किलोमीटर बोले, 220 दीजिएगा, 22 किलोमीटर दिखा रहा है, 220 दीजिएगा। किलोमीटर टू किलोमीटर ही ले रहे, ज़्यादा नहीं ले रहे। तुम एक काम करोगे, तुम हम सुबह में मैच छोड़ दोगे क्या? कितना बजे? अभी तो लेट हो गया। हाँ तो हम यहाँ से निकलते हैं 7:30। हाँ ठीक है, तो तुम्हारा नंबर भी दे दो। हाँ नंबर दे देता हूँ। डेली जाते हैं, संडे को भी? हा? संडे को भी संडे में नहीं, हर संडे में नहीं जाता है, कुछ कुछ संडे में जाता। अच्छा ठीक है, जाएगा तो तुम आगे दिन में। हाँ ठीक है, बैठिए। टेम्पर ढल दे दो। हाँ मुझे ठंडा हवा, तुम तो ठंडा पानी, तुम तो बैगटा सामने नहीं, तो तुम्हारे बुके खाते में चाहिए, और हमारे इतनी बुके खाते थे जाते जो मैं जैसा राम उसकी के वैसा जूम चला, फिर अच्छा ना। बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगे। हाँ अब बाइक में तो सबसे ज़्यादा ठंडा लगती है। बैग आगे कर लें क्या? ठीक है, चले। चलो गाइस, हमने तो भाई राइड कंप्लीट कर दिया। हाँ अभी ये मेरे रेगुलर कस्टमर बन गए समझ लो। अभी ये मैं बांकुड़ा में हूँ भाई, बांकड़ा। ठीक है, अब देखता हूँ यहाँ से राइड मिलती है कि नहीं। ओपन करता हूँ उबेर, यहाँ पर अगर राइड होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो भाई फंस जाऊँगा बहुत बुरा, बुरा वाइट पड़ा हुआ इधर। चलो देखते हैं। देखो बहुत कोई बोलते हो ना भाई कि मेरा ओला में वॉलेट में पैसा है, उसको ट्रांसफ़र कैसे करें, तो ये ट्रांसफ़र नहीं होता। देखो मेरा ये देख लो, कल मेरा 83 रुपीस था, आज देख लो यहाँ पे ए बैंक ट्रांसफ़र विल बी इनिशिएट बाय ओला। ठीक है, 11 बजे तक हमारा क्रेडिट कर दिया जाएगा अकाउंट में, बट हमारा क्रेडिट हो चुका है, तो 83 रुपीस हमारा इसमें प्लस में था ओला में, तो ये अपने आप ट्रांसफ़र हो गया। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है भाई, या ये देखो बैंक ट्रांसफ़र लिखा है ना, तो इसलिए पेशेंस रखो, ये खुद बाय खुद ट्रांसफ़र कर देता है। एंड उबेर में भी सेम केस है, यहाँ पे 3 लाइन में दिखाता हूँ वॉलेट में, देखो मेरा माइनस में एक्चुअल में,
मेरा माइनस में, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस में लिखा रहेगा, और ये अपने आप सुबह 4 बजे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर 200 रुपये से ज़्यादा अगर अमाउंट है तो आप ही को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैश आउट का, कैश आउट पे क्लिक करोगे लेकिन 1 रुपये चार्ज कट जाएगा। तो उससे बेटर है कि भाई छोड़ दो, उबेर या ओला खुद बाय खुद आपको ट्रांसफ़र कर देगा आपके बैंक में सुबह 4 बजे, ठीक है। तो इसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इमरजेंसी है तब आप चार्ज पे करके 1 रुपये चार्ज या 2 रुपये चार्ज लगेंगे वो पे करके खुद से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। देखो गाइस, अभी रैपिडो ने गूगल मैप को छोड़ करके, ठीक है, मैपल मैप को यूज़ करना शुरू कर दिया। मैपल मैप इसमें क्या है ना, थोड़ी बहुत आपको अच्छे से क्लियरिटी के साथ दिखने को मिलती है, चलो अच्छी बात है। मैपल ज्वाइन कर लिया, मेरे को केस्टोपुर की राइड आ रखी है। अब पेमेंट बहुत कम दिखा रहा है, लेकिन 18 किलोमीटर समथिंग है केस्टोपुर यहाँ से, और पेमेंट कम देखने को दिख मिल रहा है। चलो देखते हैं, मैंने बंदे को बोला कि ऑफलाइन चलिएगा तो वो बोला नहीं आप ऑनलाइन ही लेके चलो, मेरे को मैंने ज़्यादा पेमेंट मांगा है, अब देखो भाई क्या करता है। 18 किलोमीटर एटलीस्ट 160-170 ऐसा कुछ दे दे, 80 भी दे दे चलेगा, लेकिन रैपिडो है ना भाई, रैपिडो काटेगा बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा, देखता हूँ क्या होता है। चलो पहले पिक करते हैं, गलती से शायद अंदर का ले लिया होगा, अंदर से ही। हाँ अंदर है, ये देखिए, ये देखिए, मैं यहीं से घूम के गया। पिन बताइए कितना दीजिएगा, 81 क्या, कि अभी जस्ट लेके आया हूँ एक बंदे को, यहाँ से भी राइड मिलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपको पहले ही बोल रहे हैं हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ना पहले उतारिए ना, हम जो देंगे आपको भी अच्छा लगेगा। रेगुलर जाते हैं क्या? हाँ रेगुलर, हाँ रेगुलर तो है, अभी 12 तारीख तक है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, हम लोग को बोला गया है कि 12 तारीख तक है। अच्छा अब बता नहीं सकते कि क्या होगा। केस्टोपुर में घर है आपका? हाँ आपका नहीं है, हमारा तो घर बाहर है, इधर मेरा मौसी का घर है। अच्छा कहाँ से हैं आप? बिहार तो लगते हैं? ना ना बिहार से नहीं, हम बंगाल से हैं, पुरलिया से। पुरलिया तो वही पास में ही हो गया, झारखंड के पास में, झारखंड के तो पास में ही है। आपका लैंग्वेज भी वैसा ही लग रहा है। वहाँ देखिए वहाँ पे टर्निंग है, वहाँ से टर्न लेकर के आप आ सकते हैं, या तो उसी साइड में खड़ा रहेंगे तो मिल जाएगा 44। हाँ दीजिए ना, दीजिए ना आप, होगा 20 रुपये दे दीजिए। ठीक है थैंक यू। चलो गाइस हमारा ये 141 रुपये, मेरे को पता ही था रैपिडो इतना कम देगा पैसा, ये डिस्टेंस जो था ना कुछ 18 किलोमीटर हुआ था, ठीक है। तो चलो 220 रुपये जाने में आने में दोनों हमारा बन गया, अभी यहाँ से उबेर ऑन कर लेते हैं, मतलब ले के जो गया था मैं घर के लोकेशन से वो भी 220 का मैंने डील किया, और इनको भी 220 में ले कर आ गया। चलो बाकी अब तो अपना यहाँ से राइड मिल ही जाएगा, अपना घर का लोकेशन है यार, होम जोन क्या दिक्कत है। टाइम अपडेट देखो आ गई, सिटी सेंटर 1 200 द्रून, ये पागल वागल है क्या रे, सिटी सेंटर 1 200 द्रून में कहाँ है, कुछ भी मतलब बना देता भाई साहब। चलो इनको जाते पिक करने, 2.3 किलोमीटर पिकअप दिखा रहा है, कैंसिल। हम नहीं रहेंगे, भाभी रहेगी। पिन पिन सेफ्टी पिन की आल पिन जो दे सकते हैं जो दे सकते हैं। सिक्स नाइन सेवन जीरो ये गली से ले लूँ, इधर से वीआईपी से वीआईपी से ले लूँ,
इधर सीधा लेके लेफ्ट कैमरा कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हाँ जी, इधर ले लो या इधर ले लो। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया? वो जो आता है क्या चीज का वाइकर, वो कुछ कुछ है क्या इसमें? यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। यूट्यूबर है क्या इसमें चलते चलते? किसका बनाता है? सभी का। ये अलाउड है? हाँ अलाउड है। हाँ इससे क्या दिक्कत होने वाली है? पुलिस वाला पकड़ता है उसका वीडियो बन जाता है। हाँ हाँ जी, अभी ठीक है, चलो। चलो हो गया ये 72 की राइड, इसमें मिला 68 रुपीस टन। चलो भैया, धूल के कारण मेरा बैग इतना गंदा हो जाता है ना भाई, अब कितना हर दिन धूं। कपड़े तो मान लो चल जाते हैं, लेकिन बैग मैं डेली डेली कहाँ से नया ले लाऊं। चलो भाई यहीं से मिल गई एक और राइड न्यू टाउन की। बंदा यहीं कहीं पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है? इधर है। फाइव नाइन एक्सिस मॉल, एक्सिस मॉल। धीरे चलाइएगा, जैकेट नहीं है। ठीक है, ऐसे में भी गर्म हो गई है ना, ठंडी नहीं लगेगी। वेलकम। ऐसे चलो कंप्लीट 77 और मुझे कितना मिला? 73 एक्सेस। देखो ये शाहपुर जी की राइड आ रही है भाई, ले लेता हूँ सुखो बृष्टि। एक बार तो जाके फंस चुका हूँ और आज फिर से वही वाली आ गई। चलो आ गई तो ले लेता हूँ, 100 रुपये की राइड है, छोड़ कैसे तू, है ना? सुखो बृष्टि, अगर वहाँ से राइड नहीं मिली तो मेरा हालत हो जाएगा टिस्टी। बताओ यार, लोकेशन पहुँचते पहुँचते कैंसिल मार दिया, क्या है ये, क्यों करते हो ऐसा? उबेर को ना इसे मैं पेनल्टी लगानी चाहिए, उबेर क्या है, सारे एप्लीकेशन को पेनल्टी लगानी चाहिए। देखो मैंने बोला था ना 11:30-12 बजते ही राइड की कमी हो जाती है, सेम मेरे साथ हो गई। अभी 12:30 बज रहे हैं, मैं 1 घंटे से घूम रहा हूँ, राइड नहीं मिल रही है। एक आई थी वो भी कैंसिल शाहपुर जी वाली, और आप लोगों ने देखा ही, आज मैंने ज़्यादा राइड नहीं किया, एक गया एक आया, 2 और 3, 4 राइड मैंने किया टोटल। चलो गाइस अर्निंग बता देता हूँ आप लोगों को, अर्निंग जो हमारी हुई है 177 जो हुई है वो रैपिडो में हुआ, जिसमें कि आपको पता है कि 185 कलेक्ट करने का था तो मैंने किया, और उसमें से मुझे मिला 141 ऐसा कुछ मिला है, ठीक है, और उसमें से एक्स्ट्रा मिला था 35 रुपीज़, क्योंकि मैंने 220 एक्सेप्ट किया ना उनसे, मतलब लिया तो 177 बना, क्योंकि रैपिडो कमीशन काटा है। उसके बाद ऑफलाइन राइड हमारी फर्स्ट बार हुई थी 220 के,
और उबेर में मैंने दो राइड किया 142 रुपीज़ के, तो टोटल 539 की हमारी अर्निंग हुई। और गाड़ी जो चली हमारी वही 70 किलोमीटर गाड़ी चल गई, ठीक है। 70 किलोमीटर का पेट्रोल कॉस्ट होता है गाइस 140 रुपीज़, 140 रुपीज़ हमारा पेट्रोल कॉस्ट लगा। टोटल 400 रुपये हमें बच रहा है बस, यही अर्निंग हुई 4.5 घंटे में। एक्चुअली तो 1.5 घंटा तो हमारा ऐसे बर्बाद हो गया। चलो कोई नहीं, होते रहता है, बाकी वो देखता हूँ उसका। अगर रेगुलर हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन करेंगे तो जा सकता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव सेफ योर लाइफ।